पुरानी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भूल जाए, कैबिनेट ने नई नियमावली पर लगाई मुहर, जाने अब कैसे होगी शिक्षक बहाली। नमस्कार, मैं आशा, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट के मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार कैबिनेट में आज सातवें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली को आखिर मंजूरी दे दी गई। इस नियमावली के पास होने के बाद लगभग 3 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगा। नई नियमावली के अनुसार शिक्षकों की बहाली अब आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावे भी नई नियमावली में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब सभी विषयों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने शिक्षकों की भर्ती के लिए नियोजन इकाई को खत्म कर दिया है, क्योंकि नियमावली में ये प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए की जाएगी। इसके साथ ही सातवें चरण की बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। जल्द ही लगभग 3 लाख शिक्षकों की भर्ती बिहार सरकार करेगी। अब जिला या प्रखंड स्तर पर नियोजन इकाई का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। नई नियमावली में 3 परीक्षाओं का प्रावधान किया गया है। इस 3 परीक्षाओं को पास करने के बाद उम्मीदवार राज्य शिक्षक कहे जाएंगे या राजपत्रित कर्मचारी बन जाएंगे। इस प्रावधान से नियोजित शिक्षकों के सरकारी शिक्षक घोषित करने की मांग भी पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर सभी नियोजन इकाई भंग कर दी है। किसी अन्य इकाई से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी। बिहार सरकार का नई नियमावली होगा। आयोग परीक्षा लेगा, राज्य कर्मी कहलाएंगे। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में एस्टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को स्वीकृति कैबिनेट ने आज दे दी। नई नियमावली के अनुसार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। 12वीं तक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी। 8वीं तक के लिए महिलाओं को 50% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्या है नई नियमावली में? यह नियमावली पुरानी नियमावली से कितनी अलग है? आने वाले सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया केंद्रीकृत और किसी आयोग से करवाई जाएगी। पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम इकाई के जरिए नियोजन किया जाता रहा है। अब तक के नियोजन में यह पता करना मुश्किल भरा काम था कि किसका चयन कहां से हुआ है। नई नियमावली के तहत जिस अभ्यर्थी का चयन एक जगह से हो जाएगा तो बाकी जगह से उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। इसे ऐसे समझें कि सेंट्रलाइज आवेदन लिए जाएंगे जिसमें ऑप्शन मांगा जाएगा और आपने उसमें पटना, दूसरा आरा, तीसरा गया भरा है तो इसमें आपका चयन अगर पटना से हो जाता है तो आरा और गया की उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। 2020 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 में विशेष शिक्षक और प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति के लिए भी प्रावधान होगा। पहले की शिक्षक नियुक्ति नियमावली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पार्षद, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के स्तर पर गठित अलग अलग नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार का गठन किया गया था, परंतु नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार व अनुशासनिक प्राधिकार होगा। पुराने शिक्षक नियुक्ति नियमावली में सभी नियोजन इकाई के अध्यक्ष को नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब जिला स्तरीय राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। नई नियुक्ति नियमावली के लागू होते ही शिक्षकों का पद जिला स्तर का संवर्ग हो जाएगा। पुरानी नियमावली में विषयवार और नियोजन इकाईवार अलग अलग संवर्ग था। पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक,
स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर निर्धारित किया जाता था। नई नियमावली में यह व्यवस्था बनी रहेगी और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासी विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि पहले नियुक्ति के लिए चयन की अनुशंसा नियोजन इकाई द्वारा की जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति के जरिए चयन की अनुशंसा प्राधिकृत आयोग द्वारा की जाएगी। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अंतर्गत नियोजन इकाइयों की संख्या 9,222 थी, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या महज 38 रह जाएगी, क्योंकि बिहार में जिलों की संख्या 38 है। पुरानी नियुक्ति नियमावली में विभिन्न नियोजन इकाई में ट्रांसफर में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तरीय संवर्ग होगा। इससे बेहतर सेवा शर्त और शिक्षा विभाग का प्रभावी ये आपको मैं बता देता हूँ, ये राज्यकर्मी का दर्जा होगा, आकर्षक वेतनमान होगा, आकर्षक सैलरी होगी और सभी तरह की सुविधाएं होगी। जो नियोजित शिक्षक हैं वो जो नियमित शिक्षक होंगे उनको एक परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से पास करेंगे और वो भी नियमित शिक्षक बनेंगे और आकर्षक वेतन होगा। वो लगभग 2.25 लाख के आसपास की अभी होगी शिक्षकों की। अब फिर जो है माध्यमिक विद्यालय में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की बहाली होगी वो कोई 40-50 हजार के मतलब ये बताइए, देश को जलाने से बचाने ये तुष्टीकरण है। देश में नागरिक विशेष की को सुरक्षा देना ये तुष्टीकरण है। देश में आतंकियों से, हमलावरों से लोगों को बचाना ये तुष्टीकरण है। मगर नौकरियां गायब है, बेरोजगार नवा है, सरहद घायल है, किसान 2022 तक न होनी थी आमदनी दुगुनी भाई, ये कुछ नहीं होना है। खाली नफरत के बल जो देश बनाना चाहते हैं वो ठीक बात नहीं है। बिहार को प्रयोग स्थल बनाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। आपके वेतन को लेकर चर्चा थी, सुशील मोदी का ये वो मुकदमा झेलेंगे जो लोग आरोप लगा रहे हैं, साबित तो करें। सुशील मोदी भी कर रहे हैं, ये इस पर स्पष्टीकरण मेरा चला गया है। जो आरोप लगा रहे हैं वो दस्ता सबूत पेश करें, नहीं तो मुकदमा झेलेंगे। माना नहीं कीजिएगा क्या सुशील मोदी को? क्यों नहीं करेंगे? ये चैतहन का प्रयास है, हमको पता है इसके जद में क्या है, इसके जद में क्या सब पता है। मैंने एक शिक्षा मंत्री शूद्र हो गया तो पच नहीं रहा है, सीधी बात है। और ये लड़ाई है, ये लड़ाई चलेगी और जो लोग चैतहन का प्रयास किए हैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा होगा।